मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के औरैया में हुआ भीषण सड़क हादसा। दो ट्रकों की टक्कर से 23 मजदूरों की हुई मौत, 15 हुए जख्मी। आपको बताते चलें कि जहां रोजी रोटी के संकट के बीच प्रवासी मजदूर भयानक हालतों में अपने घरों को लौट रहे हैं, वहीं दो ट्रकों की टक्कर में 23 मजदूरों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के औरैया में गांव लौट रहे मजदूरों के साथ भीषण हादसा हुआ है। यहां दो ट्रकों की टक्कर में 23 मजदूरों की मौत हो गई है, 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा शहर कोतवाली क्षेत्र के मिहोली नेशनल हाईवे पर हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रकों में सवार मजदूर दिल्ली से गोरखपुर जा रहे थे। देश में कोरोना संकट के चलते 24 मार्च से लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन की वजह से देश में यातायात सेवाएँ ठप हैं, जिसके चलते प्रवासी मजदूरों की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालात से परेशान मजदूर अब पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। इस भीषण पलायन के दौर में देश में अब तक कई मजदूर चलते चलते रोड ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। बता दें, कल उत्तर प्रदेश के जालौन में ही प्रवासी मजदूरों की भारी डीसीएम गाड़ी को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में दो लोग की मौत हो गई जबकि 14 मजदूर घायल हो गए थे। प्रवासी मजदूर मुंबई से लौट रहे थे। डीसीएम में 46 प्रवासी मजदूर सवार थे। लॉकडाउन के बीच हाईवे पर इन दिनों दर्द का अंतहीन सिलसिला चल रहा है। रोजी रोटी के संकट के बीच प्रवासी मजदूर भयानक हालातों से अपने घरों को लौट रहे हैं। वहीं मजदूरों के पलायन की चौंकाने वाली तस्वीर हर दिन सामने आ रही है। हालात इतने बदतर हैं कि सामान ढोने वाले ट्रकों में मजदूरों की ढुलाई हो रही है। पलायन कर रहे मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा में भी मजदूर पैदल ही हजारों किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं, अपने घर को लौटने पर मजबूर हैं। सीएम योगी ने अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही अधिकारियों को निर्देश दिए किसी भी प्रवासी मजदूर को असुरक्षित तरीके से यात्रा की अनुमति ना दी जाए। फिर ये हादसा हुआ। आज गाजियाबाद और नोएडा के मजदूर उनकी मंजिल तक ले जाने के लिए ट्रेन भी चलने लगी, इसके बावजूद मजदूर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। क्या हुआ आज? गोरखपुर में गाँव, रास्ते में बस सड़क लग गया, आदमी घायल हो गया। एक गाड़ी आई इन लोगों की, आई और हम लोग की गाड़ी में टक्कर मार के चली गई। गाड़ी में कितने लोग थे? गाड़ी में हम लोग, कौन सी गाड़ी थी? एक हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की। हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है। एजुकेशन इज अ पैशन।